मोदी सरकार ने 19% में ला दिया है। हमारा मानना है जो से आज जो सरकार में निगम के अंदर सरकार बैठी है, आज बड़ा घोर हमारे साथ हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जो हम हमारे लिए 10% में मोदी सरकार ने कराया, हम कहना यह चाहते हैं कि भारत सरकार से जो हमारे लाभांश थे वो हमें वापसी दिए जाए, जो हमारी एजुकेशन थी वो हमको पूरी दिए जाए, जो हमारी नौकरी है उसको हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के हमारे बच्चों को दिए जाए। आज मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, आपके अच्छे दिन लाऊंगा, क्या अच्छे दिन हमारे हुआ है? आज हमारी जनता, आज हमारे नौजवान साथी, आज हमारी बहनें माताएं सारी रोड पर आ चुकी हैं। हमारा मोदी साहब से ये मानना है कि जो हमारे लाभांश है हमें वो दे जाए, हम अपना आंदोलन को वापसी ले लेंगे, ये हमारी आपसे विनती है। आप यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पे आए हैं, एक हफ्ता पहले हमने खजूरी खास में कंप्लेंट करी है, इसलिए हमारे पड़ोसी हमें बोलते हैं कास्ट के लिए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। कहा के लिए कंप्लेंट दी थी आप? एससी के लिए बोलने के लिए। और भी कई लोग हैं, हमें चमारण चमंडे गए के बाद बात करते हैं, इस वजह के लिए हमें बुरा लगता है, इस वजह के लिए हमने थाने में कंप्लेंट की, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक हफ्ते पहले की हमारे पास सारी चीजें हैं डिटेल में जो हमने एप्लीकेशन दी है। 21 तारीख के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद से ही आप लोगों को जाति स्तर पर बोलना स्टार्ट कर दिया? पहले से ही है, लेकिन हमें तो हम यहाँ पे अचानक आए, हमें कहीं और जाना था, धरने का हमें पता नहीं था, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा एक्शन नहीं हो रहा उसमें। जब आप लोग सोते रहेंगे तो आपके ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। आप कह रही हो कि हमें पता ही नहीं था, ये 15 दिन पहले से ही पूरा भारत बंद करने का हमारे यहाँ पे, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता, ऐसे जैसे पब्लिक इकट्ठी हो रही है, हमारे साथ कोई घटना नहीं होता। हम खजूरी से आए हैं, खजूरी के अंदर अभी रोड जाम है, बहुत बड़े पैमाने पे हम पैदल चल के आ रहे हैं आधे रास्ते से, खजूरी में भी जाम है। मुल्ला जी क्या नाम है आपका? हम सलीम। सलीम जी आप यहाँ क्यों आए? हम देखने के लिए आए, हमने सुना रैली है यहाँ पर आए। आप भी इनका समर्थन देने के लिए आए? मुल्ला जी दलित मुस्लिम करो विचार कब तक चाहोगे, अत्याचार वाला नारा है, यही नारा है, सबका साथ है हम, क्योंकि कभी मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, मुसलमानों पे है, कभी दलितों पे है, कभी किसी पे, आम पब्लिक पे, सब पे समाचार है, सब पे दलित तो सभी दलित कास्ट है, आप लोग सभी लोग एक हो रहे हैं जी, हम तो सब एक, हम एक है जी, सबसे एक है। 5 साल में मोदी जी ने कितनी नौकरी लगाई है, कितनी जगह लगा ली है, फार्म भरवा लेते हैं और नौकरी कैंसिल कर देते हैं। अब सारे काम पट नोटबंदी से, जीएसटी कभी नोटबंदी कभी, अब जो कि आरक्षण कभी कुछ ऐसे तो भूख मरेंगे, पब्लिक अपने आप मर जाएगी। हमारा आरक्षण भी ले जाते हैं तो मैं बताऊं, इसमें ना बता कि मोदी जी ने 5 साल में कितने बच्चे नौकरी पर लगाए हैं।